इनको बताएं कि लाहौर पहुंचने पर रकावटें क्यों खड़ी की गई, वजीर आजम बरहम हो गए। शहरियों को गैर जरूरी मुश्किलात का नोटिस लेते हुए शहरियों की आसानी के लिए गैर जरूरी रकावटें हटाने का हुक्म भी दिया है। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत को हदायत भी जारी कर दी हैं। लाहौर पहुंचने पर रकावटें क्यों खड़ी की गई, वजीर आजम बरहम हो गए। शहरियों को गैर जरूरी मुश्किलात का नोटिस ले लिया है। शहरियों की आसानी के लिए गैर जरूरी रकावटें हटाने का हुक्म भी जारी किया। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत को हदायत जारी कर दी हैं। जी हाँ बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि शहरियों को गैर जरूरी मुश्किलात क्यों पेश आई हैं, नोटिस लिया जाए, शहरियों की आसानी के लिए गैर जरूरी रुकावटें हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं, आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, ये तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, तो आज फिर प्रोटोकॉल देखकर इमरान खान बरहम हुए? बिल्कुल, जो वजीर आजम इमरान खान है वो अपना प्रोटोकॉल देख के बरहम हुए हैं, क्योंकि जो इदारे हैं, जो इदारों के अहलकार हैं, वो एक तो सिक्योरिटी खदशात भी होते हैं, और जो वजीर आजम इमरान खान है तो वजीर आजम का इतना प्रोटोकॉल तो चलता है, उनके साथ रहना उनका इस्तेहकाक ही है, लेकिन वजीर आजम की जानिब से नापसंदीदगी का और बरहमी का इजहार किया गया है। इस प्रोटोकॉल के ऊपर जो रुकावटें लगाई गई उसके ऊपर भी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया, उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये जो रुकावटें लगाई गई हैं इसको भी खत्म किया जाए और प्रोटोकॉल जो है उसको बिल्कुल महदूद किया जाए, मुझे किसी किस्म के प्रोटोकॉल की जरूरत भी नहीं है। और जब वो वजीर अला हाउस में भी पहुंचे हैं काबीना इजलास की सदारत के लिए, तो वहां पे भी देखा गया है कि उनके साथ सिर्फ चार गाड़ियां थी, जिसमें एक जैमर्स वाली गाड़ी थी, दो पुलिस की गाड़ियां और एक उनकी। बिल्कुल, शहरियों को गैर जरूरी मुश्किलात का नोटिस लिया है वजीर आजम ने। बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।